चॉकलेट कपकेक्स, जिसमें बीच में फिल्ड है चॉकलेट गनाश और फ्रॉस्टिंग की है डालगना कॉफ़ी से। ऐसी रेसिपी जो दिखने में लगे बिल्कुल मार्केट जैसी और घर में बनी हो बहुत सस्ती। और ख़ास बात तो ये है कि इसे गुड़ और गेहूं के आटे से बनाया है। और इसके सेंटर में फिल किए हुए गनाश के भी दो ऑप्शंस हैं, एक तो है चॉकलेट और दूध से बना हुआ गनाश और दूसरा ऑप्शन है पानी और कॉफ़ी से तैयार किया हुआ गनाश। ये दोनों ही तरह के गनाश की रेसिपी हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं अपने चैनल पर और इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए इतनी सारी खूबियों वाले कपकेक्स बनाना शुरू करते हैं। तो कपकेक्स बनाने के लिए सबसे पहले जिस कपकेक कंटेनर में हम इन्हें बेक करेंगे उसे ग्रीस कर लेते हैं। तो ब्रश से ऑयल कंटेनर में अच्छे से लगा लें, फिर इसमें थोड़ा सा कोको पाउडर डालें और अच्छे तरह से फैला लें। कंटेनर में कोको पाउडर अंदर की तरफ अच्छे से लग जाना चाहिए, फिर कंटेनर को उल्टा करके एक्स्ट्रा कोको पाउडर निकाल लें। तो कंटेनर तैयार है, इसे एक तरफ रख देते हैं। अब केक को कढ़ाई में बेक करने के लिए कढ़ाई में एक रिंग रखेंगे और फिर इसे लिड से कवर करेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट करेंगे। अगर आप कपकेक्स ओवन में बेक करना चाहते हैं तो ओवन को 350 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 180 डिग्री सेल्सियस पर प्रीहीट करें 10 से 15 मिनट के लिए। तो जब तक ये प्रीहीट होता है तब तक हम कपकेक्स के लिए बैटर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए आधा कप ब्राउन शुगर या गुड़ लेंगे और इसमें एक कप गर्म पानी डाल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करके एक तरफ रख देंगे। फिर एक छलनी में लेंगे 3/4 कप गेहूं का आटा, 1/4 कप कोको पाउडर, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा या जिसको मीठा सोडा भी बोलते हैं और पिंच ऑफ नमक। फिर इसे छान लें। फिर इसमें डालेंगे 40 ml ऑयल और फिर इसमें डालेंगे ब्राउन शुगर और पानी वाला जो लिक्विड हमने तैयार किया वो इसमें डालेंगे। आधा चम्मच नींबू का रस डालें और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो बैटर तैयार है। अब इस बैटर को कपकेक कंटेनर में फिल करेंगे, पर ये ध्यान रखना है कि 3/4 हाइट से ज़्यादा मोल्ड को नहीं भरना है। फिर काउंटर पे कंटेनर को 2-3 बार टैप करें और फिर कढ़ाई में कंटेनर को रखें, लिड से कवर करके इसे 20 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर बेक होने दें। बीस मिनट बाद चेक कर लेंगे कि कपकेक्स बेक हो गए हैं या नहीं। तो एक टूथपिक कपकेक के सेंटर में डाल करके देखें, अगर टूथपिक साफ बाहर आती है तो कपकेक्स बेक हो गए हैं। फिर इन्हें कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे और किसी वायर रैक पे ठंडा होने के लिए रख देंगे। और जब कपकेक्स ठंडे हो जाएंगे तो इन्हें कंटेनर से निकाल लेंगे। अब किसी भी नोजल से या नाइफ से कपकेक के सेंटर में स्कूप कर लें। इसे बिल्कुल नीचे तक स्कूप नहीं करना है, इसकी आधी हाइट तक हमने इसको स्कूप किया है और इस जगह पर चॉकलेट गनाश फिल कर लें। चॉकलेट गनाश की दो रेसिपीज हम अपने चैनल पर शेयर कर चुके हैं, जिसमें एक रेसिपी में हमने चॉकलेट गनाश बनाया है चॉकलेट और मिल्क से और दूसरे वीडियो में हमने चॉकलेट गनाश बनाया है कॉफ़ी और पानी से बिना किसी क्रीम और चॉकलेट के। तो आप अपनी पसंद की गनाश बनाएं और कपकेक्स के सेंटर में फिल कर दें। अब इनके ऊपर हम डालगना व्हिपिंग से फ्रॉस्टिंग करेंगे। तो इसके लिए डालगना कॉफ़ी बना लेते हैं। तो एक बोल में 1/4 कप कॉफ़ी लें, इसमें डालेंगे 1/4 कप शुगर, यहाँ पर हम ग्रैनुलेटेड शुगर ले रहे हैं, और 1/4 कप गर्म पानी डालें। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसे फिर अच्छी तरह से विस्क से फेंटना है। थोड़ी देर में ये अच्छे फ्लफी हो जाएगी और इसके पीक्स बनने लगेंगे। जब इसे हार्ड पीक्स बनने लगे तो इसको एक पाइपिंग बैग में फिल कर लें और कपकेक्स को डेकोरेट करें। ऊपर से आप चाहें तो थोड़ा सा कोको पाउडर या कॉफ़ी पाउडर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो लीजिए चॉकलेट गनाश फिल्ड
डालगोना कॉफ़ी कपकेक्स बनकर के तैयार हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है, दिखने में ज़रूर लग रही थी कि बहुत मुश्किल होगी, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगी, लेकिन बहुत आसान रेसिपी है। इसको एक बार ट्राई करना तो ज़रूर बनता ही है। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगली बार, और तब तक के लिए ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।